दोस्तों नमस्कार, मैं मंजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेलकम फॉर यूएमएस में। दोस्तों आप सभी को पता है कि जैसे ये तीन अध्यादेश आए हैं किसानों के खिलाफ है ये, तो इसमें जो बीजेपी जेजेपी सरकार है वो कभी भी गिर सकती है, तो इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अभी ये काफ़ी चर्चा में आ रहा है कि ये सरकार गिरने वाली है और जब ये राष्ट्रपति शासन है वो लगने वाला है। तो प्रदीप भाई सबसे पहले स्वागत है आपका अपने चैनल में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये जो अभी जैसे पार्टी है बीजेपी और जेजेपी, इसमें कुछ मंत्री है उसका भी बयान आया है कि कुछ ना कुछ इसमें उतार चढ़ाव होने वाला है। हाँ, जब से ये तीन अध्यादेश लेके आई है बीजेपी सरकार, इन्होंने सेंटर से इनको लागू कर दिया है, तो और उसके बाद किसानों ने धरना दिया और जो अपने हरियाणा के जितने भी किसान हैं वो सब इसके विरोध में उतरे आए। तो कुछ विधायक हैं, जैसे मैं नाम लेना चाहूँगा, जोगराम सिंह आ गए हांसी से, और अपने राम कुमार गौतम है देवेंद्र बबली अटवाणा से, जो जेजेपी के विधायक हैं, और चार से पांच ऐसे ही विधायक हैं जो बीजेपी में अभी मौजूद हैं, उनके बगावती तेवर अभी सामने आ रहे हैं, जो इस्तीफा देने के पूरे पूरे मूड में है, यानी कि कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं अपनी पार्टी से और सरकार से अपना मतलब कि पीछे खींच सकते हैं हाथ है। तो इसके चलते और ऐसे ही कुछ विधायक बीजेपी में हैं जो अभी मौजूदा, जो कांग्रेस में थे पहले लेकिन बीजेपी से टिकट मिल गई थोड़ा वो विधायक बन गए थे, तो वो भी अपना यानी कि इस्तीफा देने के पूरे पूरे मूड में है। ऐसे ही कोई ऐसे कुल मिला के 8 से 9 विधायक हो गए हैं जो अभी मौजूदा सरकार में, जो अभी इस्तीफा दे सकते हैं कभी भी। इसी के चलते जो हरियाणा सरकार है वो कभी भी गिर सकती है, जो ये गठबंधन की सरकार है। और बीजेपी का एक रवैया रहा है कि जहाँ पर सरकार टूटती है तो महाराष्ट्र की तरह राष्ट्रपति शासन लागू होगा, ऐसे ही हरियाणा में कभी भी 8 तारीख से पहले पहले ऐसा हो सकता है, संभावना जताई जा रही है, जैसे सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि जो मौजूदा सरकार है वो गिर सकती है और राष्ट्रपति शासन है जो हरियाणा में लागू हो सकता है, पूरे पूरे चांस हैं 8 तारीख से पहले, क्योंकि 8 तारीख को है जो अपने किसानों की गुरनाम सिंह चढ़ूनी और जो अन्य गुट हैं सभी ने मिलकर फैसला लिया है कि कुरुक्षेत्र की कंबोज धर्मशाला में एक मीटिंग रखी जाएगी। हाँ, पूरे भारत के जो मौजूदा किसान हैं वो सभी पहुँचेंगे 2 दिन में और मीटिंग करेंगे और उसके बाद फैसला लेंगे कि आगे कार्रवाई क्या की जाए, किसान जो आंदोलन है ये तीन अध्यादेशों को लेकर। लेकिन इसी के चलते एक जो अपने राजनीति के चलते जो हरियाणा सरकार कभी भी गिर सकती है और पूरे पूरे चांस है कि 8 तारीख से पहले ऐसे हो सकता है, हो सकता है कि अपने जो दुष्यंत चौटाला है वो भी अपना समर्थन वापस ले ले, क्योंकि उसको अगर नज़र आएगा कि सरकार कभी भी गिर सकती है तो उसका वो फ़ायदा उठा सकते हैं किसानों के हित में। अगर वो अपना समर्थन वापस लेते हैं तो जो हरियाणा के किसान हैं फिर से हो सकता है उनको सपोर्ट करें। राम कुमार गौतम है जैसे पहले ही खिलाफ रहे हैं, तो हो सकता है मंत्री बनाने का चक्कर हो उसका या फिर कुछ और समस्या हो, लेकिन वो पहले ही जो जेजेपी के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी उसके खिलाफ रहे हैं, तो वो भी इस्तीफा दे सकते हैं या नहीं? हाँ, जो अपने जेजेपी के 2 MLA रहे हैं, एक देवेंद्र बबली टुआना से और ये राम कुमार गौतम नारायण सिंह, दोनों के पहले बगावती तेवर रहे हैं दुष्यंत चौटाला के खिलाफ, क्योंकि पहले उनको लालसा दी गई थी एक पद की, वह आपको कैबिनेट में मंत्री बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, तो इसी के चलते उन शुरुआत से ही बयानबाजी है जो दुष्यंत चौटाला के खिलाफ रही है। अब तो ये जो किसान इसके विरोध में उतरे हैं तो हो सकता है वो अपना इस्तीफा दे दें और जो सरकार है वो गिरने की कगार पे पहुंच सकती है दोबारा से। लगता है आपको दुष्यंत चौटाला इस्तीफा दे सकते हैं? हाँ, हो सकता है, अगर जो जेजेपी के और बीजेपी के विधायक अगर इस्तीफा देंगे तो दुष्यंत चौटाला हो सकता है उनसे पहले इस्तीफा देकर और अपने किसानों को समर्थन दे सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में अगर किसान जो अब भी बीजेपी यानी कि जितने भी जेजेपी के विधायक बने हैं और जो ये अपने दुष्यंत चौटाला की जीत दर्ज हुई है वो किसानों की दर्ज भी हुई है, मतलब कि जितना किसान का वोट है वो सबसे ज़्यादा बीजेपी के खिलाफ गया था वो इसको जेजेपी पार्टी को मिला था, तो इसी के चलते अपना इस्तीफा दे भी सकते हैं 8 तारीख से पहले। जैसे अनिल भी जी ने कहा है कि लाठी चार्ज नहीं हुआ है और दुष्यंत चौटाला जी बोल रहे हैं कि लाठी चार्ज हुआ है, तो इनकी आपस में ये बात नहीं बन रही है, तो इसके बारे में कुछ बताओ। हाँ, जो ये दोनों के बयान आए हैं इनमें दोनों की कहीं ना कहीं अनबन नज़र आ रही है दोनों के बयान से ही, क्योंकि एक ने कहा है कि लाठी चार्ज नहीं हुआ और एक ने कहा भाई लाठी चार्ज हुआ है उसकी जांच होनी चाहिए, तो दोनों के विचारों में है जो अलग अलग हैं और इसका फ़ायदा है जो ज़्यादा किसानों को हुआ है, क्योंकि एक अगर सरकार में ही बगावती तेवर होंगे तो इस्तीफा देने पर मजबूर हो सकते हैं दोनों ही और सरकार गिरने की कगार पर पहुँच सके हैं। आज एक ऐसी स्थिति बन रही है कि जो मजदूर है, किसान है या फिर कोई स्टूडेंट है जो बेरोज़गार है, तो उसमें खींचतानी बन रही है। पहले की तरह उसको जॉब नहीं मिल रही, किसान को फसल का रेट नहीं मिल रहा, या फिर और जो बेरोज़गार है
दिहाड़ी मजदूरी वाला है उसको भी काम नहीं मिल रहा, तो इसमें भी काफ़ी समस्या बन रही है। जितने भी ये अब जब से 2014 से बीजेपी सरकार आई है और बीजेपी सरकार ने लोगों को एक दिलासा दी थी कि हम लोग रोज़गार देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां लेके आएंगे और जो किसान है किसान की आय दोगुनी करेंगे 2022 लग, लेकिन ऐसा कुछ होया नहीं। वैसे ही 3 काले कानून लेकर ये किसानों के बीच में आए, किसानों ने इनका फुलजोर विरोध किया और जो अन्य संगठन थे जैसे आढ़ती संगठन हो गया, मजदूर किसान का मेरा वर्ग है, सभी ने इनका आज देखा जाए तो देहात में लोग देहात में पूरा पूरा विरोध है बीजेपी सरकार का, सभी इनके विरोध में हैं। और जो आशा थी लोगों को कहीं ना कहीं बीजेपी उस पर खरा नहीं उतर पाई है और जो है मौजूदा सरकार यानी कि हालात हैं हरियाणा में पूरा पूरा विरोध अभी जो मौजूदा सरकार के खिलाफ चल रहा है सभी पार्टियों की। चलो ठीक, तो ये मेरे साथ अभी प्रदीप संधु जी जुड़े हुए थे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दे। धन्यवाद।